नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। जितना हमने अब तक पढ़ा है वो आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और आज तो पहले से ही बोर्ड पे स्वाध्याय सीरीज लिखा हुआ है, तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इतना शेयर करिए कि आपका परिवार बड़ा हो सके। ठीक है दोस्तों, जितना हमने पढ़ा था आज हम उसे देखते हैं। वैसे बच्चों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। और वैसे कहा जाता है ना, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो जितना भी दम है लगा दो, बार बार मौका नहीं मिलता, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, नींद चैन को त्याग दो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम, जो हमारा जितना हमने कल पढ़ लिया था, कल लास्ट हमारा जो व्यंजन संधि चला हुआ था वो लगभग लास्ट था। व्यंजन संधि मैंने बताया था कि आज उसको लास्ट कर देंगे और स्वर संधि को शुरू कर देंगे। तो कल जो हमारा लास्ट चला हुआ था, मैं संबंधी नियम हमने पढ़ा था। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में कल हमने मैं संबंधी नियम पढ़ा था। मैं संबंधित नियम को हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं मैं संबंधी नियम हमने पढ़ा था कल। हमने मैं का एक नियम हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि यदि यदि मैं संबंधी नियम में कल आपको जो बताया गया था कि मैं के साथ यदि किसी का भी मेल होता है, किसी का भी मतलब किसी का भी मैं से मेल होता है, तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें? अनुस्वार में बदल जाता है। मैं बदल जाता है आपका, मैं अंकी बिंदी में बदल जाता है। शॉर्ट बात ये है, आसान तरीका यही है, क्या अनुस्वार क्या अनुनासिक उसमें थोड़ा सा भी चल जाओगे और जो अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं का मिल किसी से भी करा लो, मैं का चेंज हमेशा इसमें ही होगा। ठीक है, तो मैं संबंधी नियम यही कहता है कि मैं का मेल, यदि मैं का कल का जो लास्ट हमारा नियम था वो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। मैं संबंधी नियम था, यदि मैं का मेल अंतस्थ व्यंजन ये रे ले और वे या शे से से और है से होता है, तो मैं में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं अंग में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं अंग में बदल जाएगा अर्थात अनुस्वार में बदल जाएगा। इसे अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार व्यंजन कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय केवल नाक से वायु निकलती है, मुख से वायु नहीं निकलती, और अनुस्वार व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि मैं का मेल ये रे ले वे या शे 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 है किसी से भी होता है, तो मैं अंग में बदल जाएगा। शॉर्ट तो यही है और याद करना आसान भी है, सीधा मैं को अंग में बदल दो। आपसे कैसे भी पूछे, आप मैं को इसमें बदल दो। अगर लेकिन अगर फिर भी डेफिनेशन में डेफिनेशन आपसे पूछता है या कुछ इस तरह से पूछता है, तो कह सकते हैं कि मैं अनुस्वार में बदल जाएगा, अर्थात अर्थात मैं अनुस्वार विश्व व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय केवल वायु नाक से निकलती है, मुख से नहीं निकलती। ठीक है, ये हमने कल अच्छे से कर लिया था। अब मैं का दूसरा नियम हम देखते हैं। पहला नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम दूसरा नियम देखते हैं कि मैं के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी अक्षर आता है, मतलब कैसे लेकर मैं तक कोई भी आता है, कैसे लेकर मैं तक, मैं का मेल यदि मैं का मेल
कैसे लेकर कैसे मैं तक किसी से भी होता है, किसी से भी होता है। तो मैं अनुस्वार में, अनुस्वार व्यंजन में या अनुनासिक अनुनासिक में बदल जाएगा। अर्थात कैसे लेकर मैं तक कौन से होते हैं, कैसे लेकर मैं तक होते हैं। बच्चों देखो, मैं आपको बार बार एक सारणी लिखवाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे लिखवाना है तो मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है बेटा, सॉरी बच्चों, ये इसलिए है कि ताकि आप लोगों को जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि बार जब भी आप उसको देखोगे, अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से उसे देख सकते हो। जैसे कैसे लेकर मैं तक होते हैं, कै खे गे घे और डे, ठीक है, चे छे जे झे आई है, ठीक है। इससे आगे आपको अच्छी तरह से याद भी होगी तो इसे देख लेते हैं। मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक, अर्थात ये कैसे लेकर मैं तक जाते हैं, पे फे बे भे मैं, ठीक है। तो कैसे लेकर मैं तक ये कुल 25 होते हैं, ठीक है, एक पाँच कै पाँच पाँच दस पाँच तीन पाँच 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 25, ठीक है, 25 होते हैं, ठीक है। तो कैसे लेकर मैं तक किसी से भी होता है, तो मैं या तो अनुस्वार में, अनुस्वार में, अनुस्वार अर्थात वे व्यंजन जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, और वे व्यंजन होते हैं जिनके ऊपर अंग की बिंदी लगी होती है, बात वही है, अंग की बिंदियाँ बदल जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि अनुनासिक में बदल जाएगा। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पाँचवा व्यंजन अनुनासिक होता है। अनुनासिक वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है, किससे, नाक या मुख दोनों से निकलती है। या कह सकते हैं कि मैं संबंधी नियम में यदि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक किसी से भी होता है, तो मैं पांचवें व्यंजन में किसी भी वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा, या फिर अंग की बिंदी में अर्थात अनुस्वार में बदल जाएगा। बस याद रखना है अच्छे से, और सबसे आसान यही है कि मैं का कुछ भी हो, मैं बदलेगा तो अंग की बिंदी में ही चेंज हो जाएगा, या फिर आपको थोड़ा घुमा के दे सकता है तो सीधा पांचवें व्यंजन में बदल देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उसका मैं का मेल ये रे ले वे से होता है, या फिर शे 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 है से होता है, तो मैं बदलेगा अंग की बिंदी में अर्थात अनुस्वार में ही बदलेगा, ठीक है। अनुस्वार व्यंजन वे होते हैं, जो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अनुस्वार व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण केवल, जिनके उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है, जिनके ऊपर अंग की बिंदी लगी होती है, और अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है, और जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गए होगा। तो कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, तो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। कैसे लेकर मैं तक किसी से भी मैं का मेल होता है, तो क्या होता है, मैं या तो बदलेगा अनुनासिक में, अनुस्वार में या अनुनासिक में, तो ये हो जाएगा से के ले पे, क्या हो गया, संकल्प, क्या हो गया, संकल्प। अब देखते हैं, या फिर बदलेगा ये पांचवें में, पांचवें वर्ण में, और पांचवा किसमें, पांचवा क्या होगा, कै का, कै का पांचवा क्या होगा, कै का पांचवा होगा आपका ये वाला, हो गया, हो गया, ठीक है। या बदलेगा इसमें, कै पांचवें में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यही बेस्ट है, उसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यही रखिए कि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक किसी से भी होता है, तो मैं अंग में बदल देते हैं, अर्थात अनुनासिक में, अनुस्वार में बदल देते हैं। मैं का मेल कैसे हुआ, तो क्या हो गया, से मैं के स्थान पर अंग की बिंदी, और कल्प ऐसा कहे, क्या हो गया, संकल्प। अब कुछ और देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो किम प्लस चित,
किम प्लस चित, किम प्लस चित। अब देखो कै का मेल किससे हुआ, चै से हुआ। कै का मेल किससे हुआ, चै से। तो कै का मेल चै से हुआ, तो कै से लेकर मैं तक किसी से भी होता तो क्या होता है, मैं का अंग बन जाएगा, क्या हो जाएगा, की ऐसा ही और अंग की बिंदी और चै ई और तय, किंचित, क्या हो गया, किंचित। अब और एग्जांपल कुछ अच्छे से, बस सम प्लस तोस, सम प्लस तोस, सम प्लस तोस। अब एक बात याद रखने लायक है, बात वही है हलंत वाली। अगर यहाँ पे हलंत ना होता तो इसका मतलब होता, अगर यहाँ पे मैं के साथ सम, अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैं, ये सम लिखा हुआ है, सम, इसका वर्ण विच्छेद करिए, सम, अगर इसके नीचे से मैं हलंत हटा देता हूँ तो इसका वर्ण विच्छेद होगा स प्लस ए प्लस मैं और प्लस ए, ये हो गया, अगर इसके नीचे हलंत नहीं होगा तो इसका संधि वर्ण विच्छेद ये होगा, अर्थात इसमें ए की ध्वनि आ जाएगी। अगर ए की ध्वनि होगी तो फिर ए की ध्वनि का मेल स्वर ध्वनि का मेल व्यंजन से होगा, नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हलंत होगा, अगर इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो हलंत का मतलब है यहाँ पे ए की ध्वनि नहीं है, अर्थात ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित है। तो सीधा मैं का मेल किससे हुआ, तय से, और तय कै से लेकर मैं तक बीच में आ जाता है। तो अगर कै मैं का मेल किसी भी कै से लेकर मैं तक किसी से भी होता है तो कै का मैं का क्या हो जाएगा, अंग में बदल जाएगा, अर्थात से अंग की बिंदी मैं के स्थान पर और तोस, क्या हो गया, संतोष, क्या हो गया, संतोष हो गया। ये आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, अब इसको रफ कर देता हूँ मैं। एग्जाम्पल अच्छे से समझने की कोशिश करो तो सब कुछ याद हो जाएगा। और मैं संबंधी नियम बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कि मैं का किसी से भी मेल होता है, यह रह ले वे से या शे 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 है से, अर्थात अंतस्थ से या उष्ण से, या फिर कैसे लेकर मैं तक किसी से भी होता है तो मैं किस में बदल जाता है, मैं बदल जाता है अंग में। आसान है मैं संबंधी नियम, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सम प्लस पूर्ण, सम प्लस पूर्ण, देखिए मैं का मेल किससे हुआ, पै से हुआ, तो पै कैसे लेकर मैं तक बीच में आ जाता है, पै, तो मैं का क्या हो जाएगा, से ऐसा कैसे ही, मैं के स्थान पर अंग की बिंदी और पूर्ण सही, क्या हो गया, संपूर्ण, क्या हुआ, संपूर्ण, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसे नहीं करना तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जब कैसे लेकर मैं तक आते हैं तो मैं के साथ यदि कैसे लेकर मैं तक किसी का भी मेल होता है तो मैं अनुनासिक में बदल जाता है, अर्थात पांचवें में चला जाता है। तो कै मैं पै के पांचवें में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, से, ठीक है, मैं के स्थान पर पै का, पै फे बे भे और मैं, ठीक है। अब ये पै के पांचवें में जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, पै ऐसे रहेगा, मैं चेंज हो जाएगा, मैं का हो जाएगा मैं ही, क्योंकि पै का पांचवा भी मैं होता है, और मैं और पै ओण, संपूर्ण, क्योंकि कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि संपूर्ण ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, मैं मानता हूँ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, क्योंकि मैं को आप अंग के रूप में, क्योंकि मैं यहाँ पे आधा है और आधा अंग के रूप में जा सकता है, ये अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार व्यंजन है। अब मैं संबंधी नियम जितना भी था ये पूर्ण हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम देखते हैं वो व्यंजन संधि का लास्ट नियम होगा, क्या होगा, आज मैंने बोला था कि व्यंजन संधि को हम लास्ट कर देंगे, और व्यंजन संधि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई गई है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुकी होगी। अब देखते हैं यदि से पहले, देखिए अब तक हमने लगभग 5 से 6 नियम हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से हमने कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। तो ये अंतिम नियम होगा, यदि से पूर्व ए आ, किसे, यदि से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो से षटकोण में बदल जाता है, तो से षटकोण में बदल जाता है, ठीक है। यदि से पूर्व ए और आ को छोड़कर, हाँ
को छोड़कर कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है। यदि स से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है, यदि से पूर्व अर्थात से इस तरफ होगा, जाहिर सी बात है, तो से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो से के स्थान पर से षटकोण वाला से हो जाता है। और इसके नीचे हलंत है, हलंत को स्पेशली ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो एग्जांपल होगा नी प्लस सिद्ध। ठीक है, नी प्लस सिद्ध। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सह पूरा होगा, आधा नहीं होगा। ठीक है, नी प्लस सिद्ध, हमने कहा था कि यदि ए आ को छोड़कर कोई और स्वर से पहले आता है तो से का से षटकोण वाला से हो जाएगा। देखो, से पहले क्या आया, ई, अर्थात ए स्वर नहीं आया ना आया, तो ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो से के स्थान पर क्या हो जाएगा, नी सिद्ध। ठीक है, नी सिद्ध हो गया, से के स्थान पर से षटकोण वाला से हो गया। कुछ और देख लेते हैं, अभी प्लस शेख। अब देखिए, अभी से पहले क्या आया, से पहले ई की साउंड आता है, ई, ध्वनि किसकी आती है, ई की। ठीक है, ई का, तो से के साथ किसका मेल हुआ, ई का, और ए आ को छोड़कर कोई और स्वर आता है तो से का मेल से चेंज हो जाएगा से में, तो क्या हो गया, अभिषेक। और कुछ भी बदलाव नहीं होगा, बस सह का ही बदलाव होगा। और सह को देखो, सह के अलावा कुछ नहीं बदला, अभी भी ऐसा कैसा ही, एक ही मात्रा भी है और कै भी है, बस सह का ही चेंज हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वी प्लस सम। ठीक है, वही सह के साथ ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आया है तो सह के स्थान पर क्या हो जाएगा, सह षटकोण वाला सह हो जाएगा, विषम। क्या हुआ, विषम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, वी प्लस सम, क्या हो गया, विषम। आपको बताया गया है यदि से के पूर्व ए आ को छोड़कर, अर्थात अगर यहाँ पे आपका ई ना होता, ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ पे ई की मात्रा को हटा दे, ने या ना कर दे, तो ये नियम नहीं लगता। यहाँ पे आ प्लस ई का मेल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा स्वर संधि में, किसमें, स्वर संधि में चला जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये कहता है ए आ को छोड़कर, तो यहाँ हो जाएगा नी प्लस सिद्ध, तब जाके ई का मेल, सह के सह से पूर्व ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आया है या अन्य स्वर की ध्वनि आई है तो ने से ई सह के स्थान पर सह षटकोण वाला सह हो जाता है, तो क्या हो गया, नी प्लस सिद्ध। ठीक है, अब देखते हैं, हमने ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है, ये आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। आज व्यंजन संधि यहीं पे ख़त्म होती है, और लगभग व्यंजन संधि में चार क्लास कम से कम हुई होगी, चार हुई या पांच हुई हो। ठीक है, व्यंजन संधि में कई क्लास ली गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आज की जो व्यंजन संधि ये ख़त्म होती है, और मैंने आपको कल ही कहा था कि व्यंजन संधि ख़त्म होने पर हम विसर्ग संधि को शुरू कर देंगे, तो आज हम विसर्ग संधि को शुरू कर देते हैं। विसर्ग, तो लिखिए विसर्ग संधि, क्या हो गया, विसर्ग संधि, क्या हुआ, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब हम वर्णमाला को पढ़ रहे थे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ, अर्थात विसर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित होता है।
ठीक है। अब देखते हैं इसका जो डेफिनेशन लिखते हैं, यदि विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। क्या होगा? वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे तप प्लस वन, क्या हुआ? तप प्लस वन, ठीक है, क्या हो जाएगा? तपो वन। क्या हुआ? तपो वन। जब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ोगे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सब नियम लगभग सेम से लग रहे हैं, कहाँ पे हम विसर्ग लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगाएंगे, कहाँ पे हम व्यंजन संधि को देखेंगे, कहाँ पे हम स्वर संधि को देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप नियम अच्छे से याद कर लोगे, जैसे ही आपके नियम अच्छे से याद हुए और आपने थोड़ा सा अभ्यास किया, जैसे ही आप अभ्यास शुरू करोगे, जितना अभ्यास करते रहोगे उतने परफेक्ट होते रहोगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। और जैसे कहते हैं ना, किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया है, तो बोली चिड़िया तिनका तिनका उठाना पड़ता है, अर्थात उसने मेहनत की है। तो मेहनत आप लोगों को करनी ही होगी, एक एग्ज़ाम निकालने के लिए हर दिन पढ़ना होता है, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, क्या हुआ? यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया है, तो बोली चिड़िया तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सोचो, जब एक छोटी सी चिड़िया बार बार जाती है और छोटा छोटा सा तिनका उठा के लाती है और एक घोंसले को बनाने में इतने दिन लगा देती है और फिर आराम से उस घोंसले में रहती है अपनी मेहनत के बलबूते पर, तो उसकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा घोंसला तैयार करती है जो तैयार नहीं किया जा सकता नॉर्मली, ठीक है। तो एक छोटी सी चिड़िया जब इतना मेहनत कर सकती है अपने लिए, तो क्या हम लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर आइए, तप प्लस वन, तपो वन, क्या हुआ? तपो वन। अच्छे से नियम याद करिए तो सब कुछ हो जाएगा। दू प्लस कर्म, दू प्लस कर्म, क्या हो गया? दुष्कर्म। क्या हुआ? दू प्लस कर्म, दुष्कर्म। देखिए क्या कहता है आपका, जो आपकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। जैसे विसर्ग के बाद व्यंजन है और क्या हुआ? तप प्लस वन, ओ आ गया, ठीक है, कुछ विकार उत्पन्न हुआ, किसी नियम के तहत ओ बन गया। विसर्ग के बाद के आया और विसर्ग का जो हुआ वो आदेश से में बदल गया, तो क्या हुआ? दुष्कर्म, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसी वो जो नियम से जो बनेगा वो स्वर विसर्ग संधि के अंतर्गत होगा, ठीक है। कि अब हम देखते हैं इसके जो नियम होंगे, विसर्ग संधि में भी कुछ नियम हैं जो अच्छे से हमें पढ़ने होंगे। यदि विसर्ग से पहले ए और ओ की ध्वनि तथा, यदि नियम नंबर एक कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए और आ
ए और आ की ध्वनि हो। यदि विसर्ग से पहले ए और आ की ध्वनि हो तथा बाद में सघोष वर्ण हो तथा बाद में सघोष वर्ण हो, अर्थात सघोष वर्ण होते हैं किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात के, खे, गे, घे और डे। देखिए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब सघोष होते हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर ये, रे, ले, वे और है, ये सभी सघोष होते हैं। यदि विसर्ग के पहले ए आ की ध्वनि हो तथा बाद में सघोष वर्ण हो तो सघोष वर्ण, जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई स्वर हो गया, या अंतस्थ व्यंजन ये रे ले और वे और प्लस है भी इसी के अंतर्गत आता है, क्या है, ठीक है, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ओ ओ ओ में बदल जाएगा, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि हो तथा विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण होता है आपका किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कोई स्वर हो या यह रे ले वे या फिर है हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल होगा मन प्लस हर, मने है प्लस हर। देखिए नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि, ठीक है, तो विसर्ग से पहले ने के साथ हलंत नहीं है, अर्थात इसके साथ कोई स्वर होगा और कोई ऐसा स्वर होगा जो ए मात्रिक स्वर है, जैसे आपका हुआ क्या ए, तो यहाँ पे ए की ध्वनि है और यहाँ पे प्लस विसर्ग और प्लस है, तो विसर्ग से पहले ए की ध्वनि, साथ में विसर्ग भी है और विसर्ग के बाद है अर्थात सघोष वर्ण है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, क्या मनोहर। एक और एग्जांपल देखते हैं, तप प्लस भूमि, या फिर कोई और एग्जांपल देखते हैं, तप प्लस भूमि। आप देखिए विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि है, ए की, और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है, ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, पे, फे, बे, बे किसी भी वर्ग का तीसरा होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, पे, फे, बे तीसरा हो गया, तो ओ हो जाएगा, विसर्ग का ओ क्या हो जाएगा, तपोभूमि, ठीक है। इसे अच्छे से देखना, जितने भी आपको डेफिनेशन ये लिखाई गई है, कल डेफिनेशन बताई जाएगी, मैं, ठीक है, आपको मैं आते ही पहले डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज जितना भी हमने किया है उसको अच्छे से पढ़ना, आज विसर्ग संधि शुरुआत हो चुकी है और 2-3 दिन में विसर्ग संधि भी खत्म हो जाएगी, तो अच्छे से रिवाइज करिए ताकि साथ साथ आप लोगों को याद हो सके। प्रैक्टिस घर पर करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।